जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका अपना होस्ट आबिद हुसैन और आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूं, जिसका टॉपिक है मोर, मौसम और ब्रीड। जैसा कि दोस्तों, हर चीज़ का एक मौसम होता है, हर चीज़ के बढ़ने का, हर चीज़ के ब्रीड का, हर चीज़ का एक मौसम होता है। हर चीज़ की एक मुद्दत होती है, कोई भी काम बगैर अपनी मुद्दत के पूरा नहीं होता। इसी तरह मोरों की ब्रीडिंग का भी एक सीज़न है और ये सीज़न तकरीबन मार्च में स्टार्ट होगा और जून तक जारी रहेगा। तो दोस्तों, मेरे कुछ दोस्त मुझे कहते हैं कि हमारे जोड़े तो पूरे हो गए हैं मगर ब्रीड नहीं करते। जोड़ा पूरा हो जाने से क्या होता है अगर उनका सीज़न ही नहीं, सीज़न पे ब्रीड होती है। तो कुछ दोस्त तो ऐसे ही होते हैं कि वह तंग आके अपने परिंदे फरोख्त कर देते हैं कि ये ब्रीड नहीं करते और ना ये बढ़ते हैं। हर जानदार ने ब्रीड करनी होती है, जो भी जानदार है उसने अपनी मादी से क्रॉस होना होता है और आगे बढ़ना होता है, ये कुदरती चीज़ है। तो दोस्तों, इंतज़ार कीजिएगा सीज़न का और फिर अगर आपके परिंदे ब्रीड ना करें तो मुझसे राबता करना। ऐसे अपने परिंदे को ज़ाया मत कीजिएगा। कुछ दोस्तों तंग आकर अपने परिंदे फरोख्त कर चुके हैं और ब्रीड नहीं करते, यही बात बार बार रिपीट करते हैं। ब्रीड वो कैसे करें जब उनका सीज़न ही नहीं है? आप देखें, जैसे कि हर चीज़ का एक सीज़न है, गंदम का एक सीज़न है, कपास का एक सीज़न है, हर चीज़ अपने सीज़न पे तैयार होती है। जैसे गंदम का अब सीज़न आएगा तो वो तैयार होगी, इसी तरह कपास, और इसी तरह ही परिंदे हैं, जब इनका सीज़न आता है तो ये ब्रीड करते हैं, ये बढ़ते हैं, ये अंडे देते हैं। अगर सीज़न नहीं तो ये ऐसे ही रहेंगे। और हाँ, मौसम चेंज हो रहा है तो आपने ख़ास एहतियात जो करनी है वो ये है कि इनको आपने वैक्सीन ज़रूर करवानी है। एनडी की कोई सी भी वैक्सीन, ND3, रिसोटा, कोई सी भी एक वैक्सीन आप ज़रूर कीजिएगा। और दुआओं में याद रखिएगा, मैं हूँ आपका होस्ट आबिद हुसैन, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक गरीब सा छोटा सा भाई यूट्यूबर हूँ।